जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। सुफिया सूरे पार्लियामेंट के सदस्य उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। देश की नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या बेरोजगारी है। देश में बदलाव का एक माहौल बन रहा है। केरल जैसा राज्य वहाँ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं है। मंच पर बैठे हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी बहनों भाइयों दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज का एक ऐतिहासिक दिन है। 24 साल पहले मुंबई में ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मिलकर एक नई पार्टी की, देश के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा रखने के लिए, इनकी समस्या हल करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। और ये काम उसी शिवाजी पार्क मैदान में हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। देखते हुए काम करते करते 24 साल हुए हुए और आज हम 25 साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये स्थिति पैदा करने के लिए, ये कामयाबी के लिए हजारों साथियों ने मेहनत की, अपना खून पसीना दे दिया, इन सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेहनत की, इस मेहनत का फल आज हम लोग यहाँ तक होते हैं। पिछले 24 साल में कई अलग अलग स्थिति का सामना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करना। कभी कई राज्यों में हम हुकूमत में थे, केंद्र सरकार में मैं खुद और हमारे साथी संपन्न भाई, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते थे, केरल जैसा राज्य में आज भी वहाँ की हुकूमत में काम करने का मौका राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिला। ऐसी कई राज्य हैं, इन राज्यों में कभी विपक्ष में कभी सत्ताधारी में काम करके जनता की सेवा करने का मौका पिछले 24 सालों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला। आज देश के नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पहले सालों से कुछ न कुछ राज्यों में हमारे साथियों चुनकर आते थे और आज मुझे खुशी है कि नागालैंड जैसा एक महत्वपूर्ण राज्य, वहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 7 साथी विधानसभा में भारी वोटों से चुनकर आए। और मुझे और एक खुशी है कि जो 7 लोग चुनकर आए, इन 7 साथियों ने वहां के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर वहां विजय संप्रदाय प्राप्त हुआ था। और इसलिए इनको धन्यवाद देने, उनका अभिनंदन करना मैं मेरा फर्ज समझता था। आज
देश में एक अलग माहौल पैदा करने की जरूरत कामगिरी जिनके हाथ में देश की हुकूमत है इन लोगों से शुरू है। कई सांप्रदायिक विचार उसको महत्व देना जो समाज के छोटे तबके हैं उन पर दहशत का माहौल पैदा करना महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं ऐसी स्थिति पैदा करना यही काम आज जिनके हाथ में देश की हुकूमत है इन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने किए। कई बातें हम देखते हैं एक दिन ऐसा नहीं जाता कि देश के कहीं न कहीं हिस्से में कहीं अत्याचार चाहे महिलाओं के ऊपर हो अल्पसंख्यकों के ऊपर हो दलित अधिवेशन के ऊपर हो जगह जगह पर ये स्थिति आज देखने के लिए मिलती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद समाज के छोटे तबके हैं उनको हित की रक्षा करना ये बात भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं। अपने हाथ में जो हुकूमत के अधिकार है इसका गैर इस्तेमाल कैसे करना ऐसी बात उन्होंने देश के सामने की है। आज देश के 50% से ज्यादा आबादी किसानों की है कि जो धरती में मेहनत करके देश की भूख की समस्या हल करने के लिए अपना खून पसीना देता है। आज इस किसानों की स्थिति गंभीर है। दो दिन पहले भारत सरकार ने जो किसानों की पैदावारी है इसकी कीमत बढ़ाने के लिए कोई बयान दे दिया देश के सामने। एक तरफ से किसानों की पैदावारी को हम अच्छी कीमत देना चाहते हैं ऐसा बना होता है और दूसरी तरफ से वो जो पैदावारी है उस पैदावारी को खरीदने के लिए कि जो कीमत देने का वायदा किया था इस कीमत को खरीदने के लिए भारत सरकार ने कोई मशीनरी सामने रखी नहीं कोई इंतजाम सामने रखा नहीं और इसीलिए आज देश का किसान संकट में है। वो चाहता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता है। जहाँ तक महिलाओं की बात है ये बात मैंने कही मगर साथ साथ नई पीढ़ी की स्थिति क्या है आज देश की नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या बेरोजगार की है और ये बेरोजगार की समस्या देखने के बाद आज नौजवान हताश हो रहा है। काम करने के लिए चाहे वहाँ जाने के लिए तैयार है मगर उनका मौका मिलता नहीं ये स्थिति आज नौजवानों के देशों में है। आज भारतीय जनता पार्टी देश के हुकूमत में है मगर देश का आम नागरिक हो चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे महिला हो चाहे आदिवासी या दलित हो उनको पता लगा है कि ये हुकूमत हमारे हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है और इसीलिए 5 साल पहले या 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की हुकूमत आ गई मगर आज आम जनता को यह अंदाजा आया है कि यह हुकूमत जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे इस वायदे पूरे करने के लिए ये लोग नजरअंदाज हो रहे कोई कामयाब हो नहीं रहे और इसीलिए कई राज्यों में आज बदलाव की स्थिति देखने के लिए मिलती है। आप पूरे देश का नक्शा आपके सामने रखिए देश में बदलाव का एक माहौल बन रहा है। केरल जैसा राज्य वहाँ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं है। तमिलनाडु में जाइए
वहाँ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं है। कर्नाटक का चुनाव होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में। आज आंध्र में देखो, साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, ऐसे कई राज्य, झारखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन सभी राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने का काम वहाँ की जनता ने किया है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आई है, जैसे फूल भाई ने कहा, चाहे गोवा हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हुकूमत थी, मगर वहाँ एमएलएस को छोड़कर रिश्वत देकर कुछ गलत रास्ते पर जाकर इस सरकार को तोड़कर यह हुकूमत हाथ में लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन लोगों को पसंद नहीं। और इसीलिए जो कुछ गलत काम करते हैं, राज्य के देश के हितों की रक्षा करते हैं, उनको दूर रखना आपका, तुम्हारा, मेरा, सबका फर्ज है। और यह करने के लिए मुझे लगता है कि यह साल बड़ा इम्पोर्टेंट साल है। इसी साल में चुनाव का मामला सामने आएगा और मुझे मिलकर पूरा विश्वास है इस देश के विपक्ष के लोग मिलकर इस चुनाव का सामना करेंगे कि देश में परिवर्तन आएगा, देश का मतदान रहेगा। मुझे याद है 1977 में ऐसी स्थिति थी, कोई एक नेता सामने नहीं था, पर लोगों ने बदलाव का मन बनाया और बदलाव का मन बनाने के बाद चुनाव के बाद एक नया माहौल देश में पैदा हो गया और जनता पार्टी की हुकूमत आई थी। आज वही स्थिति देश में दिख रही है और इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, तो अलग अलग विचारों के मगर कोई कॉमन प्रोग्राम पर आगे जाने के लिए तैयारी रखने के लिए सब विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा, मिलकर हाथों में हाथ, कंधे में कंधा लेकर लोगों के सामने देता जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता परिवर्तन के लिए सभी विपक्ष मदद करेगी। कल के 23 तारीख को हम सब लोग बिहार में जाकर मिलेंगे, बैठेंगे, एक कार्यक्रम तय करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में घूमकर लोगों के सामने वो कार्यक्रम रखेंगे और परिवर्तन का रास्ता देश के साथियों को देकर यह देश का नक्शा बदलेगा, इस पर हम ध्यान देंगे, यही विश्वास में यह व्यक्त करता हूँ। और ये करना हो तो संगठन मजबूत करने की जरूरत है। जैसे फूल भाई ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका संगठन चाहे नौजवान हो या हमारे युवक हो, हमारे महिला हो, हमारे युवा हो, हमारे अल्पसंख्यक हो और हमारे किसान और बाकी सब सेल्स है, सभी लोगों से मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। एक 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 जो जैसे मैंने कहा कि देश को परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। और साथ 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 उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी
सुफिया सूरे पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला युवक युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेशनल कमिटीज, सेशन, कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज, किसानों के इश्यूज, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दिए। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल और दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष की जिम्मेदारी, के शर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंचायत राज डिपार्टमेंट, मिस्टर फैजल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला एंड ओवरसीज इंडिया डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, नरेंद्र वर्मा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मीडिया एंड आईटी डिपार्टमेंट, जितेंद्र आवाज, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक, लेबर डिपार्टमेंट, सिविकाइज ओबीसी डिपार्टमेंट, सूरज कोहली, प्रेस पब्लिसिटी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सभी बातें, नसीम सिद्दीकी नेशनल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा और कुछ साथी, ऐसे जिम्मेदारी कुछ साथियों के ऊपर दी है और कुछ साथी है इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो टीम है, ये पूरी टीम सभी देश के साथियों को एक वजूद बनाए, लोगों को एक तरह से विश्वास देंगे, भरोसा देंगे और देश में जो परिवर्तन लाना है इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हिस्सा है वह हिस्सा उठाने के लिए ये टीम आप सबको सहयोग देगी, आप ही उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।